दोस्तों पिछले दिनों सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पोको एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसे लो बजट रेंज के तहत मार्केट में उतारा जा सकता है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि अपकमिंग स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किए गए रेडमी 9C का रीब्रांड वर्जन हो सकता है। वहीं अब नई रिपोर्ट के अनुसार पोको का नया स्मार्टफोन पोको C3 नाम से लॉन्च किया जाएगा, जो कि सर्टिफिकेशन साइट पे इसी नाम से स्पॉट किया गया है। दोस्तों पोको C3 को मॉडल नंबर के साथ इंडिया की ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट SIG पे स्पॉट किया गया है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि इस फोन को इंडिया में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। और ये मॉडल नंबर रेडमी 9C पोर्टफोलियो से काफी मिलता जुलता है। हालांकि मॉडल नंबर और फोन के नाम के अलावा अभी इस फोन के लेके कोई भी अन्य जानकारी सामने नहीं आई है। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पोको C3 लो बजट रेंज के तहत मार्केट में उतारा जाएगा, क्योंकि रेडमी 9C कंपनी के कम कीमत वाले स्मार्टफोन में से एक है। वहीं स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो कि रेडमी 9C यूरोप और चाइना में लॉन्च किया जा चुका है और सामने आए लीक्स हुए टीजर के अनुसार इंडिया में इस फोन को पोको ब्रांड के तहत पोको C3 नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे में पोको C3 की स्पेसिफिकेशन रेडमी 9C के समान हो सकते हैं। वहीं रेडमी 9C में 6.53 इंच की HD+ का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसके पिछले हिस्से पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वहीं कैमरे फीचर्स की बात करें, जो कि रेडमी 9C के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जबकि 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन में MediaTek Helio G35 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पावर बैकअप की बात करें तो इसमें 5000mAh की बिग बैटरी और 10W के चार्जर के साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये फोन Android 10 पे आधारित MIUI 12 पे रन करता है। दोस्तों पोको C3 की इंडिया प्राइस की बात करें, जो कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस 7.5 से लेकर 8,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है और इसे इंडिया में अगस्त महीने तक लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।